रानी परी, आपके परीलोक आ जाने से अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। नहीं बाल परी, अभी सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ है। हमारा मतलब कि पृथ्वी लोक में बच्चों को सूचना नहीं मिली है कि उनका रक्षक, उनका प्रिय मित्र, हमारा प्यारा बालवीर अभी जीवित है। बालवीर, आप अपने दोस्तों से जाकर नहीं मिलेंगे? मिलूंगा रानी परी, जरूर मिलूंगा। तो जाइए बालवीर, अपने दोस्तों से मिलिए, और हाँ, वहाँ जाकर ये ऐलान भी कीजिए कि अब कोई भी बुरा या बदमाश बच्चा किसी अच्छे बच्चे को नहीं सताएगा। और हाँ, सच्चे बच्चों को बुराई से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी रानी परी। अच्छा हो कि आज तू हम सबके साथ खेलने आए, हम सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, इसलिए हम आज ज्यादा देर खेलेंगे। चल। बड़े मजे से खेल रहे। बस अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। अच्छे बच्चे मजा करे और रॉनी उनका मजा खराब ना करे, ये हो नहीं सकता। बालवीर के होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता। रोनी केवल रोनी की किस्मत खराब है, हम लोग भूल गए थे। नहीं नहीं बालवीर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे वो फुटबॉल रिटर्न करने थे। देखो हमारा घर बचने की न्यूज टीवी में आ गई। अरे हमारे घर की खबर ब्रेकिंग न्यूज कैसे हो सकती है? मुझे पता है बापू जी, वो हैप्पी सिंह जो है वो हमारा घर ब्रेक करने वाला था ना, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज आई है। मजाक कर रहा था। मेरे साथ मजाक। न्यूज देखिए, आज की सबसे बड़ी बल्कि इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बच्चों का बीबीबी बालवीर उनके पास वापस आ गया है। मैं सिर्फ बच्चों से कहना चाहता कि उनका दोस्त बालवीर वापस आ गया है और अब वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। और मैं बच्चों के परिवार वालों से भी कहना चाहता हूँ कि अब उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी रक्षा करने के लिए उनका बालवीर उनके साथ है। बालवीर, 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 परियों, क्या हुआ? आप हमसे कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ रानी परी, वो दरअसल बाल परी को आपसे कुछ कहना है। रानी परी, दरअसल बात ये है कि आपके आगमन पर हम सब परियां आपका सही तरीके से स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन अब हम सारी परियों ने मिलकर आपके स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की है। जी रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब वो तैयारियां आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अवश्य देखना चाहेंगे। बस बस बस, थी केवल आपके हाँ कहने की देर।
डूबा डुबाओ, खुश रहो, खुश रहो अनुपरी, खुश रहो। आपके स्वागत का ये ढंग हमें बेहद पसंद आया, हम खुश हुए। रानी परी आप यहाँ नहीं थे तो हमें भयंकर परी से बहुत डर लगता था, मगर अब आप आ गए हो तो सब अच्छा होगा। रानी परी, हम सब आपके यहाँ आने से बहुत खुश हैं, और परी लोग को तो जैसे प्राण ही वापस मिल गए। जी रानी परी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपके होते हुए अच्छाई और सच्चाई पे कभी कोई आंच नहीं आ सकती। पर परियों, खुशी खुशी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी अभी भी जीवित है। जब हम भयंकर परी और उस जयवीर का अंत कर देंगे तब जाकर हमें पूरी खुशी मिलेगी। तो बालवीर, जी रानी परी, कल सुबह आप और हम भयानक लोग जाएंगे और वहां जाकर उस दुष्ट भयंकर परी और उसके साथी जयवीर का अंत कर देंगे। जी रानी परी, कल का दिन भयंकर परी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रोनी, शायद तू भूल गया कि बालवीर वापस आ गया है, इसलिए हम तुझसे नहीं डरते, और आज हम सब मिलकर तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या हुआ रोनी, हो गई ना टाइगर फिश? अभी हट हमारे सामने से, नहीं तो जो भी कर रहा था ना, मत मारो मत मारो, हम फिर से मार देंगे। और रोनी, बालवीर के वापस आने से हम अच्छे बच्चों के दिन फिर से शुरू हो गए हैं, और अब तुम बुरे बच्चों का टाइम ओवर। फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान से सुनो, आज के बाद से कोई भी सोने से नहीं डरेगा, कोई नहीं।
रही। चले थे पालवीर को समाप्त करने मुंह उठा के, लेकिन आगे खाली हाथ मुंह लटका के जान लेने गए थे, लेकिन जान बचा के भागा। तबा तबा गिरो के ऐसे ही आप दोनों बालवीर रानी परी और परियों के चरणों में मांगोगे अपने प्राणों की भीख, जब आएगा वो यहाँ तुम्हारा अंत करने। कोई नहीं आएगा यहाँ। क्यों है ना भयंकर परी? नहीं जयदीप, तुम उन लोगों को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि मैं और तौबा तौबा। वो यहाँ जरूर आएंगे। आने दो, भयंकर भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर भयानक लोग की सीमा रेखा पर उनकी परछाई भी पड़ी तो उन पर तूफान की बारिश होगी, और इस बारिश में वो भीगेंगे नहीं बल्कि जल कर राख हो जाएंगे। राख। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। इसे बालवीर को? ए, मरवाएगा क्या मुझे? मैं तो सिद्धि मानो की बात कर रहा था। क्या कहा था उसने कि मुझसे कोई नहीं डरेगा? अब मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा ना जो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। चलो मेरे साथ। अरे इडियट, वहां पे नहीं यहाँ पे। अरे बॉस, हमने माफ कर दो। बॉस, आपके साथ रहना मतलब मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। हाँ, हमने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, वरना वो बालवीर जी हमारी पुंगी बजा देगा। अरे तुम लोग इतना क्यों डरते हो? मैं हूँ ना। इसी बात का तो डर है कि आप हो। बॉस, बहुत हो गया, अब आपके साथ रहकर हमें बालवीर से पिटाई नहीं करवानी। हाँ, पहले वो मोंटू केंडा पिटवाता था, अब आपकी बेवकूफी की वजह से हम मार खाते रहते हैं। इस मोंटू को तो तुम लोग भूल जाओ। वो डफर था, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। वो डरपोक था, लेकिन मैं बड़ा डेयरिंग वाला हूँ। तो अब अपना नाटक बंद करो, चुपचाप मेरे साथ में चलो, नहीं तो बालवीर तुम लोगों को बाद में पीटेगा, लेकिन मैं जब तक उस सिद्धि मानो से बदला नहीं ले लूंगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अब चलो मेरे साथ। रॉनी, अभी तू बच्चा है, मेरे सामने कच्चा है, मेरे पीठ पीछे बहुत बॉस गिरी दिखा ली, लेकिन अब असली बॉस आ गया है। अब देख मैं तेरी कैसी हवा निकालता हूँ। चलिए रानी परी, बुराई का अंत करने का समय आ गया है। रुकिए बालवीर, जरा सोचिए, अगर हम भयंकर परी की जगह होते तो क्या सीमा रेखाओं को यूं ही खुला छोड़ देते ताकि कोई भी शत्रु आसानी से भीतर प्रवेश कर सके? नहीं बालवीर, हमें पूरा यकीन है कि भयंकर परी ने यहाँ कोई ना कोई सुरक्षा कवच अवश्य लगाया है। हम अभी पता लगा देंगे।
आश्चर्य की बात है, यहाँ तो कोई सुरक्षा कवच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इसमें भी भयंकर परी की कोई चाल लगती है। हाँ रानी परी, भयंकर परी की चाल को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलिए चलिए बात कीजिए। जैसे ही मानव इस फंदे में अपना पैर डालेगा, वो चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाएगा। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? पत्ते कौन डालेगा? मैं। बॉस, एक बार फिर सोच। सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। दो, डालो। हो गया बॉस। हाँ मानो आ रहा है। चलो छुप जाते हैं। चलो यहाँ तो उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो ये है मोंटू।